राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आज गुना कोतवाली को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस अधीक्षक को मुखबिर द्वारा सूचना पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि इन दोनों अपराधियों पर 17,000 का इनाम था। मुखबिर की सूचना के तहत पता चला कि दोनों पारधी हड्डी मिल की दरगाह के पास बैठे हैं और गुना से बीना जाने की फिराक में थे। वहीं पुलिस को सूचना के आधार पर गुना पुलिस अधीक्षक ने टीम तैयार करने को कहा, जिसमें कोतवाली प्रभारी विवेक अस्थाना के निर्देशन में उमेश यादव के साथ एक टीम लेकर गुना स्थित हड्डी मिल पर इन दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। धनराज पारधी के पास से एक धारदार बांका तथा इनामी पारधी रामनारायण पारधी से एक भरमार बंदूक मिली। उक्त दोनों अपराधियों पर गुना जिले में हत्या के प्रयास, अपहरण और 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वर्ष 2016 में खेजरा के लखन के अपहरण का मामला मुख्य रूप से है। 2016 में थाना बापचा राजस्थान में लूट सहित हत्या के प्रकरण दर्ज हैं। इन दोनों को पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी, अब जाकर इन्हें पकड़ने में सफलता मिल पाई है। उमेश यादव, एएसआई बसी खान, एएसआई कार्तिक प्रसाद देवाकर, आरक्षक धीरज राजेंद्रपाल, धीरज सिंह, इनकी टीम द्वारा विगत करीब एक सप्ताह की लगातार मेहनत से लगातार मुखबिरी के आधार पर इन दो बदमाशों को पकड़ा। एक धनराज पारधी है और एक रामनारायण पारधी है। इनको आज सवेरे मुखबिरी की सूचना पर हसी मिल और गड़ला के बीच में जंगल से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से एक भरमार बंदूक और एक बका मिला है। धनराज पारधी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था और रामनारायण पर 7,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। धनराज पारधी राजस्थान में एक मर्डर का केस है, हमारे गुना जिले के भी इसके ऊपर 7-8 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसी तरह रामनारायण के ऊपर भी एक नट है, उसके उसका केस है और अन्य 3-4 प्रकरण हमें कई जगहों से बांध सकते हैं। बहुत अच्छी मुखबिरी थी उमेश यादव की, उसी मुखबिरी के आधार पर ये पकड़े गए। दूसरा वाला बताया है, जब से एसपी साहब अग्रवाल साहब अपने जिले में आए हैं, तब से लगातार बदमाशों के विरुद्ध, विशेष रूप से पारधी बदमाशों के विरुद्ध धरपकड़ का अभियान जारी है। उसी तारतम्य कोतवाली पुलिस को आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। एक 10,000 रुपए का इनामी धनराज पारधी और 7,000 रुपए का इनामी रामनारायण पारधी, ये दोनों खेजड़ा गांव के रहने वाले हैं और विगत कई वर्षों से फरार चल रहे थे। रामनारायण पारधी 2009 से एक मर्डर के केस में फरार है। धनराज पारधी पर राजस्थान में भी एक मर्डर का केस है। तो आज कोतवाली पुलिस से की उमेश यादव के नेतृत्व में एक टीम को उल्लेखनीय सफलता मिली, जिसमें एएसआई मसीह खान थे, एएसआई कांति प्रसाद, आरक्षक धीरेन्द्र हीरज और राजेंद्र पाल। सर लगभग इनके ऊपर कितने प्रकरण कायम है? धनराज पारधी पे करीब 8 प्रकरण है और उसमें भी मर्डर सहित 4-5 प्रकरण उसमें भी दर्ज। सर गुना जिले के अलावा राजस्थान में ये वांछित है और राजस्थान पुलिस को भी सूचित किया जा रहा है, वो उनके आगे अपराधों में इनसे पूछताछ करी गई है। आज हड्डी मिल और गड़ला के बीच में जंगल में से इन दोनों को टीम द्वारा पकड़ा गया है और आरोपी धनराज के कब्जे से एक बका और रामनारायण के कब्जे से एक भरमार बंदूक बरामद की गई है, जो अवैध है। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है और अन्य प्रकरण में जो वांछित हैं उनको सूचना भेजी जा रही है संबंधित थानों।